नमस्कार। हिमाचल अभी अभी .com से मैं पल्लवी शर्मा, पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। लॉकडाउन तोड़ने से रोका तो निहंग सिखों ने पुलिस पर किया हमला, एएसआई का हाथ काटा। कोरोना वायरस से देश में कुल संक्रमितों की संख्या 8,356 हुई, अब तक 273 की मौत। झारखंड में कोरोना से दूसरी मौत, हिंदपीढ़ी के बुजुर्ग ने रिम्स में तोड़ा दम, पत्नी और दो बेटे भी हैं पॉजिटिव। कोरोना लॉकडाउन के बीच देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट सकती है मोदी सरकार। कोरोना से 65% मौतें केवल 10 शहरों में, 45% संक्रमित मरीज भी यहीं से। कोरोना के खौफ के बीच ऊना में पति ने पत्नी के सिर पर दे मारी ईंट, हुआ अरेस्ट। हिमाचली किसान बागवानों को बड़ी राहत, बिना कर्फ्यू पास दूसरे राज्यों में जा सकेंगे फल सब्जियों के वाहन। आईजीएमसी में नालागढ़ के 3 और टांडा में गंगखत के 1 जमाती ने भी जीती कोरोना से जंग। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। पंजाब के पटियाला में कर्फ्यू के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ है। हमले में एक एएसआई का हाथ कट गया है तो कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने हमलावरों को घेर लिया है, साथ ही उनसे आत्मसमर्पण की अपील की जा रही है। सन्नौर सब्जी मंडी में निहंग सिंह खरीदारी के लिए आए थे, तभी नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उनसे कर्फ्यू पास दिखाने के लिए कहा। इस पर पुलिस और निहंग सिंहों के बीच बहस हो गई। देखते ही देखते आरोपियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इसके बाद आरोपियों ने नाका तोड़कर भागने की कोशिश की। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें 4 को पटियाला के सरकारी राजेंद्रा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं एएसआई हरजीत सिंह, जिनका हाथ कट गया है, उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करवाया गया है। देश में लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। 3 दिनों से लगातार नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 909 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 34 मौतें हुई हैं। इसी के साथ देश भर में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या 8,356 हो गई है। इसमें से 7,367 मामले सक्रिय हैं, जबकि 716 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और एक देश से बाहर चला गया है, जबकि 273 लोगों की मौत हुई है। वहीं 4 राज्यों के सीएम ने अपने राज्य में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण से दूसरी मौत हो गई है। मृतक राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी का रहने वाला है। उसने राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स में आज सुबह दम तोड़ा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि हिंदपीढ़ी के 60 वर्षीय एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की रविवार सुबह मृत्यु हो गई। उसकी स्थिति 2 दिन से गंभीर थी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। उसकी पत्नी और 2 बेटे भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और दोनों रिम्स में भर्ती हैं। यह परिवार तबलीगी जमात से जुड़ी मलेशिया की युवती से संपर्क में आने के बाद इस बीमारी की चपेट में आया था। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने के प्रस्ताव पर केंद्र की मोदी सरकार देश को 3 जोन में बांट सकती है। सरकारी सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार कोविड-19 मामलों की संख्या के आधार पर देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने का विचार कर रही है। इस तरह से जोन में बांटकर सरकार कुछ छूट दे सकती है। बता दें कि लॉकडाउन की मियाद 14 अप्रैल को खत्म हो रही है और कई राज्यों ने इसे आगे बढ़ाने की मांग की है। जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस आए हैं, उन्हें रेड जोन में रखा जाएगा। रेड जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन होगा और इसमें वे इलाके शामिल होंगे जहां संक्रमितों की संख्या बहुत अधिक है। ऑरेंज जोन में वे इलाके या जिले शामिल होंगे जहां कोरोना वायरस के काफी कम मामले सामने आए हैं और पॉजिटिव मामलों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऑरेंज जोन वाले इलाकों में फसलों को काटने और सीमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत दी जा सकती है। वहीं ग्रीन जोन में उन इलाकों को शामिल किया जाएगा जहां कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। ग्रीन जोन में आने वाले कुछ छोटे उद्योगों को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है, मगर कर्मचारियों को कंपनी में ही रहने को कहा जा सकता है। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 30 जनवरी को पहला मामला सामने आया था, इसके बाद से 29 फरवरी तक सिर्फ 3 संक्रमित थे। मार्च के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी। अब 26 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 470 से ज्यादा जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अभी तक देश के 8,000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले और 273 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि देश में कोरोना के 45% मरीज केवल 10 शहरों में है। संक्रमितों में मुंबई टॉप पर है, जबकि अब तक हुई मौतों में 65 मृतक इन्हीं 10 शहरों के थे।
कोरोना के खौफ के बीच अम पुलिस थाना के तहत लडोली गांव में एक प्रवासी ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जो मारपीट में बदल गई। प्रवासी ने इसी बीच आपा खोकर पत्नी के सिर पर ईंट से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी मनोज जम्बाल के अनुसार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उससे पूछताछ की जा रही है। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हिमाचल के किसानों और बागवानों को लॉकडाउन के दौरान अपनी सब्जी के खराब होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब किसान बिना कर्फ्यू पास के भी दूसरे राज्यों की मंडियों में जाकर फल और सब्जियां बेच पाएंगे। इससे पहले तक किसानों को लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फसल ना बेच पाने की सूरत में काफी नुकसान हो रहा था। किसानों की मजबूरी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसानों को फल सब्जियां देश की मंडियों तक पहुंचाने के लिए वाहनों के कर्फ्यू पास बनाना जरूरी नहीं है। आईजीएमसी में भर्ती सोलन जिला के नालागढ़ के 3 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा में भर्ती गंगत के एक जमाती ने भी कोरोना से जंग जीत ली है। यह दूसरे टेस्ट में भी नेगेटिव आए हैं, इन्हें भी अस्पताल से छुट्टी होगी। वहीं टांडा में ही भर्ती ऊना के 3 जमाती ठीक होकर आज घर जा चुके हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज नैरचौक में दाखिल चंबा के 4 जमातियों में से 3 की प्रारंभिक रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है। प्रोटोकॉल के अनुसार अब दूसरा टेस्ट होगा, ये भी नेगेटिव आया तो इन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। इन्हीं खबरों के साथ आज का कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।